हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हम कवर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक न्यू होराइजंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य को। उसका जो चैप्टर 7 है वो बेस्ड है गोल्स, पॉलिसीज एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे। हमने गोल्स के बारे में पढ़ लिया, पॉलिसीज के बारे में हमने देखा, पॉलिसी मेकिंग मॉडल्स के बारे में। तो आज का हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे रहेगा। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट भी कर दें, पता चल जाए हमारा ये इनिशिएटिव कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिफरेंट अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग। कल जब हम पॉलिसी मेकिंग वाला टॉपिक कर रहे थे तो कुछ चीजें थी जो रह गई थी लास्ट में, जैसे हमने 7 मॉडल्स पढ़े थे। उसके बाद में एक और टॉपिक आता है इसमें डिफरेंट अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग, कि डाई की जो ये क्लासिफिकेटरी स्कीम थी ना उसके अलावा भी 2 डिफरेंट अप्रोच निकल के आती है। जितनी भी हम पॉलिसी स्टडी करते हैं, जितना भी हम पॉलिसी के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी थ्योरी आई थी उनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है जिसका मेन फोकस है प्रोसेस पे, कि पॉलिसी बनती कैसी है, कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस क्या है उसके ऊपर। एंड दैट ग्रुप और इस ग्रुप की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, वो ये बताते हैं कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रही है वो काम का, सिचुएशन का, पॉलिसी कैसे बनी है। देन आता है सेकेंड ग्रुप जो आउटपुट और इफेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे फोकस करता है, जिसका जो सेंट्रल फोकस है, जो मेन फोकस है वो ये है कि पब्लिक पॉलिसी का आउटपुट क्या है या पब्लिक पॉलिसी का इफेक्ट क्या रहा। सो इट इज मोर प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि कैसा होना चाहिए। तो जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े कल, मोस्ट ऑफ जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के थे। बट 2 मॉडल हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने इंक्रीमेंटल और एक पढ़ा था हमने रैशनल मॉडल, उनको हम सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं। और एक और कंपोनेंट है इन, जब आप मॉडल्स को पढ़ते हो तो इसी से रिलेटेड एक और कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल। एडजोनी ने बताया था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल वो क्या बताते हैं बेसिकली, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, एक हमने देखा था लिन ब्लूम का इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल और हमने देखा था साइमन का रैशनल। तो इनके बीच में ना एडजियोनी एक अपना वो बताते हैं, मिडिल पाथ बताते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड बाय एडजियोनी, इट ब्लेंड्स इकोनॉमिक एंड रैशनल एनालिसिस, पॉलिटिकल वैल्यूज, साइकोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं, ये रैशनलिस्ट को भी या रैशनलिज्म को फॉलो कर रहा है, प्लस में जो वर्कर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है, उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ सिस्टम और उनकी साइकोलॉजी, इनको मिला करके वो पॉलिसी स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये था आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल। बाय द वे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ना, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक वर्ड होता है हम यूज करते हैं, कि स्ट्रेटेजी मतलब क्या, जब हम डिसाइड करते हैं किसी काम को करने के लिए, ये वैसे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी ज्यादा है ये, कि स्ट्रेटेजी बनाई है काम करने की, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी पॉलिसी के अंदर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर। बट यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि ये मॉडल जो है वो एडजियोनी ने सजेस्ट किया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार है ना फिर से इंक्रीमेंटल और जो रैशनलिस्ट मॉडल था साइमन का उसको पढ़ लीजिए, और उसी के साथ में एडजियोनी का मॉडल भी पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको ना हमारे, अगर आप उस पर विजिट करते हो चैनल पे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, उसके अंदर पब्लिक पॉलिसी जो यूनिट है वहाँ पे हमने मॉडल्स डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। चलिए फिर है ना, जो रैशनल मॉडल था, जो आपका साइमन का रैशनल मॉडल था, उसी से मिलता जुलता एक और मॉडल है जिसको बोला जाता है स्ट्रीम एंड विंडो मॉडल। ये किंडन ने बताया था, और इसमें 3 स्ट्रीम बताई गई पॉलिसी मेकिंग की। जैसे उसमें जब आप रैशनलिस्ट मॉडल पढ़ते हो तो उसमें भी वो बताया गया ना कि एक पॉलिसी या एक डिसीजन के कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक
ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती हैं। तो वैसे इसी बताते हैं कि इसमें ना तीन स्ट्रीम होती है जब आप एक पॉलिसी बनाते हो तब। सबसे पहले तो ना प्रॉब्लम स्ट्रीम आती है, प्रॉब्लम होती है कि ये इतना बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे कोई इश्यू है, तो सबसे पहले तो पॉलिसी मेकर का इस पे ध्यान जाएगा। तो ये प्रॉब्लम स्ट्रीम होती है, फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम अट्रैक्टिंग पॉलिसी मेकर्स अटेंशन। फिर आपकी आती है पॉलिटिकल स्ट्रीम, यहाँ पे आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है, पॉलिसी मेकर का ध्यान यहाँ पे जा रहा है, तो वो सबसे पहले इसको अपने जो डिसीजंस होंगे उनके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो इट एक्सप्लेन द प्रोसेस लीडिंग टू इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट एजेंडा थ्रू बार्गेनिंग अमंग पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन प्रोसेस। यहाँ की प्रॉब्लम की यहाँ पे मान लीजिए चाहिए था कि वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई, इसे पॉलिसी मेकर का ध्यान गया एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसको अपने एजेंडा के अंदर इंक्लूड करेगी। और थर्ड आता है कि पॉलिसी स्ट्रीम, उसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि एक्चुअल में जो पॉलिसी ली जा रही है उसके लिए कि सिर्फ प्रॉब्लम मैटर नहीं करती वाटर एंड सैनिटेशन की, इसके ना बहुत सारे और एस्पेक्ट भी हैं और फैक्टर्स भी हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेजर फोर्सेज हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फैक्टर्स भी हैं जो कि पॉलिसी स्ट्रीम में काम करके या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इट इज क्वाइट क्लोज टू द रैशनल मॉडल एज सजेस्टेड बाय साइमन, या बार बार पढ़ेंगे ना दैट देन यू गेट टू नो अबाउट ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है ना, समिंग अपने सिर्फ यही दे रखा है कि जनरली क्या कहते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, हमने ना गोल रखा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट के गोल्स होते हैं, क्या गोल है गवर्नमेंट का, वेलफेयर सर्विस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, तो ये एंड स्टेट है, ये गोल है। ओके, एंड इस गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं, और उन पॉलिसीज को अब जब आप स्टडी करते हो, दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी कॉल्ड पॉलिसी साइंस। ठीक है जी, इसी के साथ मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है हम कंप्लीट करते हैं। अब बात करेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे। जो हमने बात की ना अभी तक पॉलिसी मेकिंग की, पॉलिसी एनालिसिस एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, आपने पॉलिसी को समझा, एनालाइज किया, एंड देन बात आती इंप्लीमेंटेशन की। सो दीज आर द ट्विन्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत देती है वो होती है इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। काम तो आपने सही से कर दिया, लेकिन बना तो आपने बहुत कुछ लिया, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे आप शाम को बना के रखते हो ना कि कल से मैं ये पढ़ाई करूं, और सुबह उठते ही फिर वो जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो फिर वो उतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जितना हमने सोचा था। तो ये सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे स्टडी शुरू कैसे हुई, ध्यान कैसे गया इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे, प्रेसमैन और वाल्डर्स्की की स्टडी सामने आई थी, उसके बाद में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज होना स्टार्ट हुई। कंसर्न अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ गेव बर्थ टू अ न्यू फील्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इनकी जो स्टडी थी उस पर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पे बहुत फोकस किया गया था। इवन हमारे जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वुड्रो विल्सन, वो भी ये कहते हैं कि इट इज हार्डर टू रन द कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो बहुत ईजी है बट उसको रन करना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। दैट मीन्स पॉलिसी मेकिंग तो ठीक है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना वो भी काफी मुश्किल, काफी चैलेंजिंग टास्क है। रनिंग से हमारे यहाँ पे मतलब है इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। ठीक है जी, ये तो था इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हमें पता है। देन बात करते हैं पॉलिसी फेलियर या पॉलिसी सक्सेस होती है या नहीं होती, उसके बारे में, सक्सेसफुल होती है नहीं होती। देन जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम जो बोलते हैं सक्सेसफुल है या नहीं है, तो हम उस टर्म में एनालाइज करेंगे ना कि हमने जो गोल डिसाइड किया था वो गोल ये अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। अगर तो अचीव कर पाए दैट मीन्स ये सक्सेसफुल थी, अगर नहीं अचीव कर पाए तो ये फेलियर रही। तो इम्प्लीमेंटेशन को जज करने के ना दो तरीके हैं, एक तो आपका एफिशिएंसी स्टैंडर्ड और एक आपका रिस्पॉन्सिवनेस स्टैंडर्ड। इसको ध्यान में समझिए, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने 100 यूनिट इनपुट डाला और आपने एक्सपेक्ट किया था कि उससे आपको 150 यूनिट
आउटपुट मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये इनपुट है और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर ये मैच हो रही है, अगर तो ये मैच हो रही है, तब तो आप बोलोगे कि पॉलिसी एफिशिएंट थी, इसको बोलते एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। दूसरा, ये तो ठीक है, ये एक आस्पेक्ट तो ठीक है, लोग चाहते थे कि वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी दी जाए, और वहां पर आप बना रहे हो रोड, मतलब जैसा लोगों ने चाहा था वैसी पॉलिसी नहीं बन के आई, वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सो डज इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट द पॉपुलर विल? इम्प्लीमेंट जो आपने किया, जैसे ये 150 यूनिट्स आपने निकाली, सिंपल सी बात है, आपने सोचा था कि इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, आपने सोचा था कि एक एरिया के अंदर है ना एक रोड बनाया जाएगा जिससे डेवलपमेंट होगी, ठीक है, रोड बनाया जाएगा, उसके लिए सरकार ने 1000 रुपए दिए कि 10 किलोमीटर लंबा रोड बना दो, ठीक है। एक्सपेक्ट यही था कि इतना लंबा रोड बन जाना चाहिए इतने रुपए में। अगर तो ये बन रहा है, दैट मीन्स एफिशिएंट है, पॉलिसी एफिशिएंट है। लेकिन लोग क्या चाहते थे, व्हाट द पीपल और द पब्लिक वांट? लोग चाहते थे कि रोड 5 किलोमीटर लंबा बने, या जो क्वालिटी है रोड की वो अच्छी हो, ठीक है। आपने खराब क्वालिटी का बना दिया, अगले 5 साल के अंदर भी ये रोड जो है वो खराब हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपकी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलर विल। तो ये फेल होती है ऑन रिस्पॉन्सिवनेस स्टैंडर्ड। तो दो स्टैंडर्ड है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इस बारे में, ठीक है। चलिए, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन में देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी। अब ये बात है, ठीक है, इस पे आप फोकस करिए, लोग क्या चाहते थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दैट इज एफिशिएंसी, नो डाउट। बट एफिशिएंसी के बेसिस पे आप अंधाधुंध कोई काम किए जा रहे हो वो सही नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू गिव आंसर टू द पब्लिक। इसीलिए कहा जाता है कि इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, वो है आपका जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल गोल्स है, उन गोल्स को फुलफिल करना, उन गोल्स को अचीव करना, ठीक है। तो सरकार का काम सिर्फ वहां पे रोड बनाना नहीं था, सरकार का काम था वहां पर कम्युनिकेशन इंश्योर करना, ठीक है, कि जो लोग थे ना वो आपके नियर बाय मार्केट तक एक्सेस कर पाए, कम्युनिकेशन बढ़े, इससे डेवलपमेंट हो, ये था ना अल्टीमेट एम, तो यही था। तो इसीलिए कहा जाता है कि एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस या फिर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। व्हाट इज ट्रेड ऑफ बाय द वे? ट्रेड ऑफ मींस कि आप एक चीज को फॉलो कर रहे हो तो एक को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक वैल्यू आप लेके चल रहे हो एंड सेकेंड वैल्यू को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, एक वैल्यू को आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, किसी को डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस के बारे में। ये सिंपल सी बात है इसमें कि जब आप एक्चुअल में पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, या फिर जो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। देखते हैं क्या। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ना बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, स्पेस, इनपुट, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आपने पॉलिसी बनाई सोच करके कि ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखने लगे तो उस टाइम तक टेक्नोलॉजी, स्पेस, इनपुट सब कुछ चेंज हो चुका था, दैट मीन्स अनसर्टिनिटी जो है हमारे यहाँ है। सेकंड, 2021 के अंदर मान लो बताया गया कि 1000 रुपए मिलेंगे 10 किलोमीटर रोड के लिए, ये पॉलिसी के अंदर बताया गया, लेकिन जब एक्चुअल बजट आया तो पैसे मिले सिर्फ 500, तो क्या हुआ, रिसोर्स क्रंच हुआ यहाँ पे, ठीक है। अवेलेबिलिटी फिर कब मिलेगी, नेक्स्ट टाइम जब बजट आएगा, उस बजट के अंदर यानी 1 ईयर का आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी एक मेजर
लिमिटिंग फैक्टर है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कि जो चाहिए बंदा आपका, जो एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूटिव स्टाफ चाहिए, या तो उसकी अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है। आपने भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में मोस्ट ऑफ जो पोस्ट्स हैं, बहुत सारी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी रहती हैं, वैकेंट रहती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर क्या है कि आपने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया या फिर आपने कोई नई पॉलिसी बनाई जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना था, सो अ न्यू प्रोग्राम मे डिमांड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स टाइम टू टेक शेप। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है, और तब तक आपके जो फैक्टर्स हैं अनसर्टेनिटीज वो बढ़ती जाती हैं। फिर बात आती है कि जो लीडरशिप है दैट मैटर्स। आप देखना कभी भी कोई सक्सेसफुल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रहा है अगर, तो मोस्ट ऑफ उसकी लीडरशिप की वजह से रहा है। लीडरशिप मेक्स और डिस्ट्रॉय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोग्राम। जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ठीक है, हमारे यहाँ व्हाइट रिवोल्यूशन लेके आए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो लीडर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव थे, वो काफी अच्छे लीडर्स रहे जिनकी वजह से वो प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। जेम्स की विल्सन क्या कहते हैं कि द सप्लाई ऑफ एबल एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव इज नॉट इंक्रीजिंग नियरली एज फास्ट एज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस्ड बाय पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को मैटर तो सॉल्व करने हैं मान लीजिए 10, ठीक है, और उसके पास एग्जीक्यूटिव है सिर्फ 5। कहने का मतलब ये है कि जितनी तेजी से प्रॉब्लम बढ़ रही है उतनी तेजी से स्टाफ नहीं बढ़ रहा आपके पास, उतनी तेजी से आपके पास एक्सपीरियंस्ड और एबल स्टाफ नहीं है, एबल एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट आता आपका इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। जैसे ये था ना कि बजट कौन पास करेगा आपकी पार्लियामेंट, बनाएगा कौन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही होती हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देयर कैन बी मेनी मोर प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये तो सिर्फ है ना एक ब्रीफ लिस्ट दी है यहाँ पर, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन हो गया, एंड इनएबिलिटी टू मॉनिटर रिजल्ट। आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया लेकिन आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे एक बुक है, अगर आपको टाइम मिले कभी तो एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, हर एक को सूखा, अच्छा सूखा पसंद है। इसमें ना ये ऑल्दो ये बुक 1996 में लिखी गई थी, बट अगर आप भी अभी पढ़ते हो ना, यू गेट टू नो कि पब्लिक पॉलिसी एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे हुई है। हमारे यहाँ जो प्लान्स बनाए गए थे ना गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी पॉलिसीज बनाई गई थी, वो ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट हुई है। तो आई रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आपको एक रियल आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होती है और फेल क्यों होती है, ठीक है, फेलियर के पीछे रीजन भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो जब हमने बात की मॉनिटर रिजल्ट की, जैसे आपने नया इनिशिएटिव ले आया, एट दैट टाइम इनिशिएटिव बहुत अच्छा था बट आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, तो आफ्टर 2 to 3 years क्या होगा, वो धीरे धीरे फेल होता जाएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने फीडबैक का, और उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है आपका रिचर्ड एलिनर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड मैपिंग और बैकवर्ड मैपिंग का, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझने जरूरी है, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड मैपिंग की, तो सबसे पहले मान लीजिए आप हैं ऑर्गेनाइजेशन के हेड, आपने डिसाइड किया कि विद इन 1 ईयर या नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपने क्या अचीव करना है, ठीक है, आपकी जो गोल्स थे वो आपने सेट किए, गोल सेट किए। अब गोल सेट करने के बाद आपने देखा कि ये जो पर्सन हैं, अलग अलग पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन ये आपने डिफाइन की।
मतलब आपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो इसको। आपने यहां पर ये देखिए स्टेटमेंट दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। कन्वेंशनली जनरली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड्स व्हाट रिजल्ट दे वांट टू अचीव एंड देन ट्राई टू डिफाइन द इन डिटेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल एट ईच स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। यही हुआ ना, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैपिंग। ये फॉरवर्ड मैपिंग है कि मुझे बनाने हैं 10 यूनिट, तो पर्सन ए क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा। पर्सन बी क्या करेगा, ये मशीनरी देखेगा। पर्सन सी क्या करेगा, ये मार्केटिंग करेगा। आपने क्या किया, सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दिए, दैट इज फॉरवर्ड मैपिंग। फिर बात आती है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे नए फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपने प्लान किया तब आपको नहीं पता था कि कौन कौन से फैक्टर इस प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटर डू नॉट कंट्रोल ऑल द फैक्ट्स अफेक्टिंग द प्रोसेस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बैकवर्ड मैपिंग। इसके लिए क्या करना है, आप चले, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कि मेरे को 10 यूनिट बनानी है, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसको रीएडजस्ट करते गए हर बार। आपने देखा कि अच्छा, रॉ मटेरियल के टाइम पे ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जो चाहिए था वो मटेरियल नहीं मिल रहा, हमें दूसरा अल्टरनेटिव मटेरियल मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आई आपके सामने, ठीक है, तो आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जो प्रोसेस थी इम्प्लीमेंटेशन की, उसको रीएडजस्ट कर दिया। फिर आपको लगा कि नहीं, जो मशीनरी है वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है और इसके अंदर आग वाग लगने का खतरा है, तो ये भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे रीएडजस्ट किया गया। सो बैकवर्ड मैपिंग क्या होती है, वेयर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर बिगिन एट द एंड वर्किंग बैकवर्ड कीपिंग इन माइंड द कंस्ट्रेंट एट ईच स्टेज। वो पीछे जाता है और ये देखता है कि हर स्टेज के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे यू गेट टू नो कि कोई भी पार्ट पब्लिक पॉलिसी का आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा। अगर रॉ मटेरियल आपका अल्टरनेटिव दूसरा है तो हो सकता है उसके लिए आपको मशीनरी भी दूसरी चाहिए, इसीलिए पब्लिक पॉलिसी का कोई भी पार्ट आइसोलेशन में नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। समझ रहे हैं आप इस बात को। सो ईच फेज ऑफ प्रोसेस मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द अदर टू इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। वो 10 यूनिट्स जो थे ना, उसमें जब आप तीनों पर्सन की एक्टिविटी को मिला के चलोगे तभी जाकर के आप जो है वो सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ओके? लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, जरूरी नहीं है, ओके? ऑल द फेलियर इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मे नॉट बी ड्यू टू द स्नैग्स इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। हो सकता है कि पॉलिसी ही गलत बनाई गई हो, पॉलिसी चॉइस वॉज पुअर एंड इल कैलकुलेटेड। ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जरूरत है लोगों को वॉटर सप्लाई की, सो दैट इरीगेशन के थ्रू वो वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आपने क्या किया, वहां के लोगों को आपने अपने उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट डेवलपमेंट का प्लान चला दिया, ठीक है। दो बुक दे रखी है ना, एवरीबडी लव्स अ गुड रोड, उसमें एक जब आप पढ़ोगे उसके अंदर बहुत छोटा सा, मतलब मैं आपको समझाती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक एरिया बताया उन्होंने, ठीक है, उस एरिया के लोग जो थे वहां पर काउ बहुत ज्यादा थी, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था उस एरिया के अंदर, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। वहां के लोगों की डिमांड थी कि उनको ना जो उनकी डिमांड थी वो कुछ ऐसी थी कि उस एरिया के लोगों को या तो इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए उनको फायदा मिले, या फिर ये जो काउ वो रख रहे हैं, ठीक है, लोकल जो उनकी काउ थी उनको प्रिजर्व किया जाए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि वो अच्छा दूध दें, ठीक है, ताकि उनकी, मतलब वो ऑलरेडी इस चीज पे डिपेंडेंट है, तो आप इसी को अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, राइट। बट गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर पॉलिसी लेके आती है, वो यहाँ पर बाहर से जो आपकी इम्पोर्टेड ब्रीड्स होती है ना, जो बाहर की विदेशी जो प्रजाति होती है गाय की, वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, ठीक है, तो और साथ में लोगों को लैंड दे दी जाती है कि आप है ना, ये जमीन है इसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक ट्री को ग्रो करो, स्पेसिफिक प्लांट को ग्रो करो, वो मतलब बताते हैं स्पेसिफिकली, और उस
उस लैंड के ऊपर उनको काव दे दी जाती है, ठीक है। वहां के लोगों को एक काव दे दी, ऑलरेडी उनके पास लोकल ब्रीड थी, बट उनको बाहर से विदेशी नस्ल की एक गाय दे दी और उनको एक लैंड एरिया दे दिया कि आप यहाँ पे तो पौधे लगाओ और इस गाय को पालो, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट होगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको लगता है कि ये जो गायें थी, ये जो एग्जोटिक ब्रीड थी बाहर से जो मंगवाई गई थी, ये लोकल ब्रीड से मिक्स ना हो, इसीलिए जो लोकल बुल थे ना उनको मार दिया गया। उनको मारने की वजह से क्या हुआ, एक तो ये जो ब्रीड आई थी बाहर से ये वहां की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से सुटेबल नहीं थी, दूसरा ये जो नया प्लांट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ टाइम के बाद में, 5-10 साल के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, ना तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाए गए, ठीक है, ना गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया, और इसके बाद में लोगों से जमीन भी वापस ले ली गई। अल्टीमेटली स्कीम का नुकसान क्या हुआ कि लोगों के पास ना तो अपनी गायें रही अब, ना तो इंडिजिनस ब्रीड रही, और ना ही उनके पास जो वो बाहर से लाए थे इम्पोर्टेड या फिर जो अच्छी नस्ल की इंट्रोड्यूस की गई थी वो ब्रीड उनके पास रही। इससे क्या पता चलता है आपको, आप इस बुक को रीड करिए, मैंने काफी आपको लेमेन सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है की है कि एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार जरूरी नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर पॉलिसी चॉइस ही गलत थी, यहाँ पर पॉलिसी को ही कैलकुलेट गलत तरीके से किया गया, लोगों की जो डिमांड है वो गलत तरीके से कैलकुलेट की गई है। ओके चलिए जी, तो रिसेंटली हमने जितना भी पढ़ा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उसमें कुछ पॉलिसी जो स्टडी की हमने उसमें कुछ एडवांसेस हैं। जैसे अभी क्या है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारे रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दे डिमांड फॉर अर्जेंट डिसीजन कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है आपको। इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे डिसीजन बनाए जाए जिससे सब लोग एग्री करें, जिसके ऊपर वेल कंसिडर्ड एंड एक्सेप्टेबल डिसीजन हो, लोग जो है वो एग्री कर रहे हैं उस डिसीजन के ऊपर। लेकिन इसके अगेंस्ट एक ऐसा ग्रुप भी है जो ये मान रहा है कि हमें ना सीरियसली पॉलिसी स्टडी के ऊपर अच्छे से, मतलब पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस हमें अच्छे से करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या इसके ऊपर एक्चुअल में हमें नए फाउंडेशंस लाने की जरूरत है, मतलब इस फील्ड के अंदर हमें नए तरीके लाने की जरूरत है या नए तरीके से हमें इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। एक तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे डिसीजंस ले आओ जिनके ऊपर सब एग्री कर रहे हैं, और दूसरे ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ऐसे, आप एक बार अच्छे से इसको एनालाइज करो और ये देखो कि क्या हमें नए फाउंडेशनल आइडियाज को ओपन अप करने की जरूरत है अबाउट पॉलिसी ड्यूटीज एंड एनालिसिस। तो इसमें ना तीन एस्पेक्ट समझ में आते हैं हमारे सामने, ये जो पूरा डिबेट चलती है ना इसके सामने तीन एस्पेक्ट हैं पॉलिसी स्टडी के, एक है आपका स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, दूसरा है पोस्ट पॉजिटिव, और तीसरा आपका पॉलिसी ट्रांसफर। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जैसे वो होता है ना मिलिट्री में होता है कि हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, गेम वगैरह में होता है, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी से खेलना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स आइडियाज, विजन एज वेल एज प्लान्ड एक्शन, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड रिजल्ट। तो पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव आपका, वो लीडर हो सकता है, टॉप मैनेजर हो सकता है, यूजुअली वो स्ट्रेटेजी बनाता है और उसके बाद में कन्वे की जाती है ये स्ट्रेटेजी टू द इंटरनल स्टाफ एंड मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, और उसके बाद में वो होता है ना कि ये हमने स्ट्रेटेजी बना ली है, उसके बाद में हमने अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया और अब जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है उन एजेंसी को भी इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, ताकि कोऑपरेशन और कोलेबोरेशन बना रहे। ये होता है आपका स्ट्रेटेजी पॉलिसी। तो इट्स अ मेगा पॉलिसी दैट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर, एंड इसके आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं उनको अचीव करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ओके अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक बताता है ना आपको कि कौन सी किस तरीके की पॉलिसी आप फॉलो करो जिससे आपके यहाँ डेवलपमेंट होगी। ओके डोनर एजेंसी है जैसे IMF वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बताती है। तो ये क्या है, ये आता है आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर।
फिर बात आती है पॉलिसी ट्रांसफर की. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एक एरिया के अंदर पॉलिसी फॉलो की गई और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही. अब उसको अपने एरिया में लागू कर लो. ट्रांसफर की गई पॉलिसी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. पॉलिसी जैसे हमने क्या किया था, जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, तो हमने डेवलपमेंट का जो पाथ फॉलो किया था, हमने कहा था कि वी विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है. और गवर्नमेंट ने फोकस किया था किस पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे. ये क्या था, ये था आपका स्टेट लेड डेवलपमेंट प्लान. बट कुछ टाइम में 1980s तक जाते जाते आपको पता चल गया कि हमारा जो ये प्लान था, ठीक है, जो हमने वेस्टर्न आइडियाज से लिया था, ये हमारे हिसाब से सेट नहीं बैठता. पॉलिसी ट्रांसफर हुआ था यहाँ पर. पॉलिसी ट्रांसफर इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज अबाउट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज इन वन पॉलिटिकल सेटिंग इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड आइडिया इन अनदर पॉलिटिकल सेटिंग. ये वही है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आप एक कंट्री की एक उसकी पॉलिसी को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, उसके आइडियाज को या फिर इंस्टीट्यूशन को आप कॉपी कर रहे हो, एक एरिया से दूसरी जगह लेके आ रहे हो. तो हिस्टोरिकली पॉलिसी ट्रांसफर बहुत बार हुआ है. जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, ठीक है, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे वो यहाँ पर लेके आए थे वो, ठीक है. देन एक एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्रामीण बैंक का दिया हुआ है. ग्रामीण बैंक आइडिया जो है वो बेसिकली माइक्रो क्रेडिट पॉलिसी के तहत आया था रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी फेमस हुआ था. मतलब ओरिजिनेट तो हुआ ये सिंगल कंट्री, एक कंट्री में, और धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, दैट ट्रांसफर कैन बी वॉलंटरी और कोअर्सिव. वॉलंटरी तो आप अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो कर रहे हो, आपको अच्छा लगा कि यूके के अंदर है ना ये चीज अच्छी है, मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ. और एक आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए, कोअर्सिव प्रोसेस जो होती है, ठीक है. जैसे हमारे यहाँ हम 1990s में जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी कंट्री के अंदर, हम गए थे वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर कुछ, IMF वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस थोपी थी, ठीक है. तो वो एक तरीके से कोअर्सिव ही है, बट उसको एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं कई. वो फिर वो है ना कि लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है, उनको ये लगे कि हमारी कंट्री के ऊपर थोपे नहीं गए थे, वो कहता हम रेसिपियंट है, ठीक है, हमने जानबूझ के हम गए थे उनके पास, तभी तो उन्होंने थोपी थी, तो वी आर द रेसिपियंट. हम विलिंगली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, ऑल्दो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. बट कोअर्सिव भी हो सकता है और वॉलंटरी भी हो सकता है, ठीक है. जैसे ग्रामीण बैंक का आइडिया आपने अडॉप्ट किया, दैट इज वॉलंटरी, ये आपकी इच्छा थी. और कोअर्सिव ट्रांसफर जो है, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश टाइम पे जो आइडियाज थोपे गए थे, जो स्ट्रक्चर्स, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और आइडियाज लाए गए थे, वो कोअर्सिव नेचर के थे, ठीक है. चलिए जी, ये आपका हुआ पॉलिसी ट्रांसफर. फिर आता है पोस्ट पॉजिटिविस्ट पॉलिसी स्टडी. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म वो एरा था जब लोगों को ये लगता था कि वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके, वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग विद साइंस, विद लॉजिक, ठीक है. हम लॉजिक से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ. पॉजिटिविज्म वाले थे ना, वो ये मानते हैं कि हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन है, और वो रीजन जो है वो यूनिवर्सल हो सकता है. उस टाइम पे जो साइंस या लिटरेचर में डेवलपमेंट हुई ना, वो इसी तरीके की थी. उन्होंने एक ही लेंस से सबको देखने की कोशिश की, एक ही लेंस से उन्होंने, एक ही ग्लास से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरी ह्यूमैनिटी को देखने की कोशिश की. उन्होंने रैशनल आइडियाज दिए, रैशनल बिहेवियर पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि हर एक चीज है ना वो नाप तोल के होनी चाहिए, हर एक के लिए कितना इनपुट है, हमने मेथड्स के हिसाब से काम किया तो उसके हिसाब से इतना आउटपुट आएगा. ये था आपका पॉजिटिविज्म. फिर आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म. वो ये कहते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले, कि कोई भी इंसान
दुनिया को परफेक्टली नहीं देख सकता, जैसे दुनिया है वैसे नहीं देख सकता उसको। क्यों? क्योंकि हम सब बायस्ड हैं, हम सब बायस्ड हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी बायस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड हमारे अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम लेके आता है, हमारे अंदर एक तरीके की वैल्यूज डेवलप करता है, और वो वैल्यूज एक तरीके से ना हमारे आंखों के ग्लास उसकी तरह, लेंस की तरह है, कि जब भी हम देखते हैं हम कल्चरल की उससे देखते हैं, इसलिए हम कभी भी दुनिया को वैसा नहीं देख पाते जैसे दुनिया एक्चुअल में है। ओके, दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये जो पॉलिसी स्टडी हुई, इन्होंने बेसिकली ये माना कि जितनी भी पॉलिसी स्टडीज होती हैं वो रैशनलिस्ट टेक्नोक्रेटिक मॉडल पे होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रैशनलिज्म पे फोकस किया गया है, एंड इट बिकम्स एन ऑब्सेशन कि सब कोई, सॉरी, हर कोई जो पॉलिसी बना रहा है वो सब रैशनल मॉडल फॉलो कर रहा है, इट्स बिकम लाइक कि सब कुछ ना ऑब्सेस्ड, हर कोई इससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं। तो हमने पॉलिसी बनाने के जो अल्टरनेटिव तरीके हैं उनको छोड़ दिया है, कि रैशनलिज्म ही तो है कि 100 रुपीज लगाए तो कितना फायदा होगा, इनपुट आउटपुट वाले पे चल रहे हैं हम, जिनको फैक्ट मानते हैं ना कि ये चीज, जैसे रैशनल बेसिस पे क्या है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, हम उन फैक्ट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि जो फैक्ट्स जिन्हें हम मानते हैं कि ये फैक्ट्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर डेवलप हुए हैं वो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उनके अंदर ना कुछ एक प्रेफरेंस आइडियाज और इमोशन दिए गए हैं जो उस पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर डेवलप हुए हैं। अब जैसे एक इंडियन पर्सन, एक इंडियन स्कॉलर वर्ल्ड को देखता है तो वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेगा उसकी, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो उसकी ओरिजिन है, जो उसकी जो बढ़ता बढ़ा है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। तो हमारे यहाँ जो फैक्ट है हो सकता है वो कहीं और पर उतने रेलिवेंट ना हो। ओके, तो व्हाट आर पोस्ट एज फैक्ट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड कंटेनिंग रिवील्ड प्रेफरेंस आइडियाज एंड इमोशंस। इसीलिए ये कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कि एक्चुअल में कोई पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज होती है, अच्छी पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज होती है, उसके लिए उसको फैक्ट से दूर जाना पड़ेगा और उसको दूर जाकर के एक उतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा चीजों का, ठीक है, अपनी विजडम का यूज करना पड़ेगा, अपनी फार एंड हिंडसाइट का यूज करना पड़ेगा, अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ, ठीक है, एंड डिस्कोर्सेज ऑफ मैरिड पार्टिसिपेटिंग एक्टर, जितनी भी चीजें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना पड़ेगा। तो उनके जो प्लिया थी कि वो, उनकी याचिका वो क्या कह रहे हैं इस पे कह रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या था कि प्लीज आप रैशनलिस्ट मॉडल से थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो बहुत हो चुका रैशनलिस्ट बिहेवियर, रैशनलिस्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत दे ली ऑलरेडी, अब आप क्या करो।